अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे व्यूवर्स। इंशाल्लाह अल्लाह की हिफ्ज़ो अमान में होंगे। आज आपके लिए 3 फ्रॉक्स के ट्यूटोरियल है, उसकी डिटेलिंग है, जो कि आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको सारी डिटेल बताऊंगी कि मैंने क्या क्या यूज़ किया है और किस तरह से ये डिज़ाइनिंग की है। मेरे साथ रहिएगा एंड तक, कोई भी पार्ट स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे पहला ये फ्रॉक है जिसकी मैं आपको डिटेलिंग दूंगी। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है पहनने में, आपका कपड़ा भी ज़ाया नहीं होता जो साइड से हमारा बच जाता है। ये देखिए साइड पर मैंने सब प्लेट्स डाले हैं, प्लेट्स वो वाले नहीं जो हम साइड सिलाई लगाते हैं, उस ये हम मैंने प्लेट्स बिठा कर उसके ऊपर स्टिच लगाया हुआ है। आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए ये चौक से कुछ नीचे जहाँ पर हम चौक बंद करते हैं उससे कुछ नीचे तक प्लेट्स के ऊपर सिलाइयाँ लगा कर, तो ये इस तरह से लेस लगाई है। 7-8 प्लेट्स अपनी कमर की फिटिंग के हिसाब से, जितना कपड़ा आपका एक्स्ट्रा है आप साइड्स पर प्लेट्स डाल सकते हैं। और नीचे से पूरा घेर रखा है इसका और उसके ऊपर साइड पर ये इस तरह से लेस अप्लाई की है। ये देखिए नीचे से प्लेट्स खुल रहे हैं जिससे फ्रॉक की शेप आ रही है। ये उन बच्चियों के लिए हैं कि जो कि टीनेज हैं अभी और उनके लिए फुल शर्ट लेनी पड़ती है लेंथ के लिए, तो साइड का कपड़ा आप ज़ाया ना करें। ये देखिए सेंटर से मैंने ये एक पैच लगाया है, मोटिव लगाया है और साइड पर दोनों साइड्स पर इस तरह से लेस अप्लाई की है। बाजू भी इसी तरह से सेंटर में कुछ प्लेट्स बिठाए हैं जिससे इसकी फ्रिल की शेप आ गई है। जस्ट इसको सेंटर से पकड़ कर चूनेट बिठा कर ऊपर लेस लगा दी है। साइड से बिल्कुल वैसे ही है, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। बाजू के ऊपर भी इस तरह से छोटी छोटी चूनेट डाली हैं जिससे इसके फुल बाजू का लुक आ गया है। मतलब जितना कपड़ा एक्स्ट्रा है आप उसको कट ना करें, आप उसको इस तरह से इस्तेमाल में लाएं और बच्चियों के फ्रॉक्स बहुत ही खूबसूरत बन जाते हैं। इस तरह से आप अपने फ्रॉक्स भी बना सकते हैं। ये देखिए फुल घेर इसका रखा है, इसका डिज़ाइन भी ख़राब नहीं हुआ। एक जगह पर ये नीचे भी एक लेस अप्लाई कर दी है डिज़ाइन के अंदर ताकि इसकी लुक और भी अच्छी आए और एम्ब्रॉयडर्ड लुक आए इसकी। ये देखिए नीचे जो है कमर की फिटिंग से तकरीबन 4-5 इंच नीचे तक ये लेस लगाई हैं और प्लेट्स डाले हैं। नेक इसका बिल्कुल सिंपली पाइपिंग वाला बनाया है और बटन अप्लाई किए हैं। ये फ्रॉक पहनने में बच्चियों को बहुत अच्छा लगता है और आप खुद भी अपना ये बना सकते हैं जो स्लिम एंड स्मार्ट गर्ल्स हैं। दूसरा फ्रॉक ये देखें, आपको बताती हूँ इसकी भी डिटेलिंग्स में। ये ओपन शर्ट की तरह है लेकिन नीचे से इसकी फ्रॉक की लुक है, इसका घेर बहुत अच्छा बना है। ये साइड की कलियाँ डालने के बाद ये इनफैक्ट बचे हुए कपड़े से बनाया है। ये दो पैनल्स जो आपको फ्रंट में नज़र आ रहे हैं ये शर्ट की साइड से बचे हैं, ये सेंटर में मैंने इससे ही मैचिंग कपड़ा प्रिंटेड लेकर उसको उसकी पट्टी बनाई है, ओपन पट्टी बनाई है। और ये टाई स्टाइल में दोनों साइड्स पर एक एक प्लेट गूम प्लेट डाला है जो नीचे से चूरट की तरह खुलता है, क्योंकि बच्ची जो है पतली स्मार्ट है इसलिए ये प्लेट डाला क्योंकि नीचे से खुल जाए, फ्रॉक की शेप आ जाए और ऊपर से कमर की फिटिंग हो जाए। और ये देखें ये नीचे दो मैंने कलियां डाली हैं चूनट डालकर इसमें, ऊपर वही प्रिंटेड कपड़ा कमर के नीचे अप्लाई किया है, बाजुओं के नीचे शोल्डर के नीचे उतना कपड़ा अप्लाई करके नीचे से कलियां डाली हैं। ये नीचे से ओपन है और सेंटर में इसके बटन अप्लाई किए हैं। ये सेंटर की जो हमारी कटिंग साइड की निकलती है दो कटिंग्स वो यूज़ की हैं, नीचे वही पट्टी एक लगाई है और एक सिंपल पट्टी लगाई है। साइड पर सिंपल एक कली डाली है और एक प्रिंटेड कली डाली है। आप कोई भी मैचिंग कपड़ा लेकर उसकी कलियां डाल सकते हैं। और ये सिंपल से बटन्स के साथ बीड्स के साथ टसल्स बनाए हैं, आप कोई भी बाजारी टसल्स लेकर भी यहाँ पर लगा सकते हैं। राउंड चौड़ी पाइपिंग का गला बनाया है, सिंपल गले बच्चियों को अच्छे लगते हैं और बहुत ही आसान बनाने का ट्रिक ये है कि आप सिर्फ राउंड चौड़ी पाइपिंग का गला बना लें। ये देखिए बैक साइड पर भी सेम ही है, दो कलियां हैं चूरट वाली, ऊपर फैब्रिक है प्रिंटेड और ये वही प्लेट जो मैं आपको बता रही थी गूम प्लेट डाला है उसके ऊपर, बैक साइड पर पट्टी नहीं लगाई, टाई स्टाइल में सिर्फ फ्रंट साइड पर लगाई है। ये देखिए बैक भी आप देख सकते हैं, इसका घेर बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा बना, अकॉर्डिंग टू 40 बना था। तकरीबन इसकी 7-7 इंच की कलियाँ हैं और सेंटर इसका 8 को डबल करें तो 16 इंच का इसका पैनल है, सेंटर पैनल। ये देखें ये
एक साइड से बिल्कुल इकट्ठा पैनल उतरा था शर्ट के, तो वो बैक साइड पर यूज़ किया है। जो सेपरेट सेपरेट उतरे थे वो फ्रंट पर यूज़ किए हैं ओपन शर्ट स्टाइल में बनाकर। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस स्टिचिंग की, आइडियाज़ की और डिज़ाइनिंग की आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले उसको देख सकें। तीसरा फ्रॉक जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये टेलगोन स्टाइल में बनाया है। ये सिंपली है बिल्कुल, और इस पर सिंपल सी फ्रिक अप्लाई की है जो कि इसको बहुत खूबसूरत बना रही है। नीचे फ्रिल लगाई है आगे पीछे, और सेंटर में ये मैंने नेट की डबल फ्रिल बनाकर लगाई है। ये देखिए, इससे इसकी खूबसूरती में बहुत इजाफा हो रहा है। इसके ऊपर और नीचे मैंने मोटा थ्रेड, जो ऊन का थ्रेड होता है, वो नीचे हमने फिरकी पर चढ़ाकर इसके ऊपर लगाया है, जो कि बहुत खूबसूरती इसकी दुबाला कर रहा है, और इसके नेट पैनल से बहुत ही इसमें खूबसूरती आ रही है। ये पैनल आप इस तरह से फ्रिल बनाकर, दोनों साइड से फ्रिल बनाकर डबल, आप किसी भी शर्ट या फ्रॉक की लंबाई लंबी करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। चौड़ाई में सिंपल गले पर पाइपिंग की है और एक पट्टी बुकरम की बनाकर उसके ऊपर कपड़ा लगाकर ये लगा दी है, और ऊपर दो मिरर अप्लाई किए हैं। सिंपल सी बाजू है, बाजू के लिए अक्सर कपड़ा नहीं बचता फुल, और ये साइड सेंटर में इसका ट्राउज़र वाला कपड़ा डला है, जिसको मैंने एक प्लेट साइड से, दोनों साइड से प्लेट बिठाकर सेंटर में करके और आगे पट्टी लगा दी है, जिससे इसकी स्लीव्स की लुक भी अच्छी आ गई है। ये आप देख सकते हैं, इसका भी घेर फुल रखा है और इसकी भी फॉल बहुत अच्छी बन रही है, और इसके नीचे जितना भी ट्राउज़र का फैब्रिक बचा था वो सारी इसकी फ्रिल लगा दी है। ये देखें, आप देख सकते हैं, मैं इसको जूम करके दिखा रही हूँ कि ये मैंने ऊन का थ्रेड लेकर नीचे फिरकी पर चढ़ाया था और इसकी सिलाई के उल्टी साइड से इसको सिलाई लगाई। ये देखें, आप देख सकते हैं, उल्टी साइड से इसको सिलाई लगाई, जिससे ऊपर इसका लुक बहुत ही खूबसूरत आ गया। आप कोई भी घर में बचे हुए पीस नेट के ले सकते हैं, जिससे आप ये ट्राई कर सकते हैं, या फिर बाज़ार से आप थोड़ी सी नेट लें और इससे ये आप फ्रिल बनाएं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।